तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4, 19 अध्याय 24 पद संख्या 1 से 8, 62 से 67 तक। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हिब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृत्यु को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ प्रदेशी और प्रवासी हूँ, मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत्यु पत्नी को दफना सकूँ। मामरे अर्थात हिब्रोन के पूर्व में मकपले के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह ये देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिसे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहरोई नामक कुएं से लौटा था क्योंकि उस समय वह नागेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, ये मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता
सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसके यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु आकर मेरी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति से प्रफुल्लित हूं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अनुवाक्य। अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 9-13। यीशु वहां से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।